भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे, उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे। और आज वही कह रहे हैं जो लोग, अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, कोई भरोसा करेगा क्या। अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या। देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने, हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी
आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर टैक्स 0 करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है।